सबसे पहला टर्म शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, व्हाट इज शॉर्ट सेलिंग, ये वर्ड आपको सुनने को मिलेगा, शॉर्ट सेलिंग कर दिया इसने। क्या होता है शॉर्ट सेलिंग? शॉर्ट सेलिंग का मतलब होता है आपके पास शेयर है नहीं, यू आर नॉट होल्डिंग शेयर, स्टिल यू हैव सोल्ड इट। लिखिए सेलिंग शेयर्स नॉट ओन्ड। अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं अगर मेरे पास शेयर नहीं है तो भी क्या हम उनको बेच सकते हैं? बिल्कुल बेच सकते हैं। आपको यह बात पता होगी कि इंट्राडे ट्रेडिंग में आप पहले शेयर बेच लीजिए, फिर उसके बाद क्या कीजिएगा, खरीद लीजिएगा, ट्रांजेक्शन स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। सुबह 9:15 पे मार्केट खुला, 3:30 पे मार्केट बंद होगा, आप 9:15 पे मार्केट खुलते ही शेयर बेचना चाहते हो, बेच दीजिए, इसे कहा जाएगा शॉर्ट सेलिंग। अगर आपके पास शेयर है नहीं, आपके पास पहले से वो शेयर नहीं है, लेकिन फिर भी 9:15 पे मार्केट खुलते ही मैंने शेयर बेच दिए, क्यों? क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस गिरने वाली है, तो मैंने शेयर बेच दिए। अब मुझे 3:30 के पहले पहले शेयर को बाई कर लेना होगा और ट्रांजेक्शन स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। जब तक मैं बाई नहीं कर लेता तब तक वो शॉर्ट सेलिंग है। फिर से ध्यान से सुनिए, मैंने सुबह 9:15 शेयर बेच दिए, ठीक है, और 1 बजे जाके मैंने दोपहर में शेयर बाई भी कर लिए, तो 9:15 से लेके 1 बजे तक जब तक बाई नहीं किया था तब तक वो क्या थी, शॉर्ट सेलिंग, ठीक है, बिना ओन किए शेयर मैंने बेच दिए। हाँ, अगर मेरे पास वो डीमेट अकाउंट में पहले से शेयर पड़े हैं जिसको मैंने 9:15 बेचा है तो वो शॉर्ट सेलिंग नहीं है। अगर मेरे पास होल्डिंग है, मेरे पास होल्डिंग नहीं है फिर भी मैं शेयर बेचता हूं तो इसे कहा जाता है शॉर्ट सेलिंग, ठीक है। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि ट्रांजेक्शन आपको डे एंड तक स्क्वायर ऑफ कर देना होगा, ठीक है। दूसरी चीज T+2, हालांकि इसका मतलब हम लोग ने पहले भी समझा है कि व्हाट इज दिस T+2। आप शेयर खरीदते हो या फिर बेचते हो तो आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आता है खरीदने पे, जाता है बेचने पे। ये कब होता है? T+2 पे। एग्जांपल से समझते हैं, अगर मैंने मंडे को शेयर परचेज किया, ठीक है, तो मंडे को कहा जाएगा ट्रेड डेट, टी कहा जाएगा इसको। मंडे को क्या बोला जाएगा? टी, जिस दिन आपने ट्रेड किया, सौदा किया। ट्यूजडे को ये हो जाएगा T+1 और वेडनेसडे को ये कहलाएगा T+2। मतलब जिस दिन आप ट्रेड करते हैं उसके अगले दिन को कहा जाता है T+1 और उसके अगले दिन को कहा जाता है T+2। आपके डीमेट अकाउंट में शेयर इस दिन आते हैं, एंट्री इस दिन होगी, एंट्री इन डीमेट अकाउंट। जब भी आप शेयर खरीदते हैं तो आपके डीमेट अकाउंट में कब आता है? वो डीमेट अकाउंट में आता है T+2 पे। हालांकि मैंने आपको बताया है कि आज के दिन में सिस्टम इतना स्ट्रांग हो चुका है, आप अगर आज खरीदते हैं तो कल भी बेच सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। डीमेट अकाउंट में परसों आएगा तो उसी समय क्लियरिंग लग जाएगी, कोई इश्यू की बात नहीं है, परेशानी की बात नहीं है, आप बेच सकते हैं, ठीक है। तो डीमेट अकाउंट में शेयर नहीं भी पहुंचा है तो भी आप बेच लेते हैं, यह बात मैंने क्लैरिफाई कर दिया है। हालांकि कुछ समय पहले की बात करें ना, अगर हम 10 साल पहले चल जाएं, 10 साल पहले जाओ या 15 साल पहले चल जाओ, 15 साल पहले चल जाओ, 10 साल 15 साल पहले चल जाओ, तो पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था मैं आपको बताऊं कि अगर मैं मंडे को शेयर परचेज करता था तो या तो इंट्राडे काट दो, इंट्राडे काट दो, आज खरीद के आज ही बेच लो, चलेगा। और अगर आज नहीं बेचे तो कल नहीं बेच सकते, मतलब मंडे का शेयर ट्यूजडे नहीं बिकेगा, मंडे को परचेस करके मंडे को बेच लो चलेगा, मंडे को खरीद के ट्यूजडे को नहीं बेच सकते। ये आज की बात नहीं है बच्चों, ध्यान से सुनना, ये आज की बात नहीं है, ये मैं तकरीबन 10 से 15 साल पुरानी बात कर रहा हूं आपसे, ठीक है। आप सोच रहे होगे सर क्या 15 साल पहले भी शेयर मार्केट की जानकारी आपको थी? तो मैं आपको बता दूं, मैं बहुत छोटे से ही शेयर मार्केट को बहुत अच्छी तरीके से, बहुत नजदीक से देख चुका हूं, क्योंकि मैं बहुत ही छोटी सी उम्र में इन्वेस्टमेंट शेयर में किया करता था, इसलिए मुझे उस समय की भी जानकारी है। मैं आज से 15 साल पुरानी बात भी आपसे बड़े आराम से कर सकता हूं, इनफैक्ट 15 साल भी नहीं, मैं आपको बता दूं 17-18 साल पहले की भी बात कर सकता हूं, ठीक है। तो उस समय भी मैं शेयर में इन्वेस्ट करता था, मैं स्टॉक मार्केट में बैठता था, मैंने इंट्राडेज भी देखे हुए हैं मार्केट में किस तरीके से। उस समय भी मैं सीएनबीसी आवाज, मतलब मैं क्लास 12th वगैरह में था तो भी आई वॉज यूज टू शेयर मार्केट, राइट।
as because I had been practically doing it. I had been practically doing it and therefore I was aware of everything. चलिए आ जाइए अब बात करते हैं. तो उस समय क्या होता था मैं आपको बता दूं कि डीमेट अकाउंट में शेयर आने के बाद ही आप इंटरडे कर सकते थे. मतलब अगर मंडे को शेयर खरीदे तो मंडे को बेच के निकल जाओ, अदरवाइज वो अब आपके डीमेट अकाउंट में आएगा उसका वेट करो. और मंडे को परचेस किए शेयर वो डीमेट अकाउंट में कब आएगा, वेडनेसडे को. तो आप वेडनेसडे को ही क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो. मतलब ट्यूजडे आप कुछ भी नहीं कर सकते, मंडे की परचेस पे ट्यूजडे कुछ नहीं होता. या तो मंडे परचेस करके मंडे सेल कर दो, दिस इज इंट्राडे एंड इफ यू परचेज ऑन मंडे देन वेट फॉर, अगर इंटरडे करना है तो वेट फॉर वेडनेसडे. वेडनेसडे को डीमेट अकाउंट में आएगा तब शेयर बिकेगा. आज की तारीख में ऐसा नहीं होता. आज की तारीख में डीमेट अकाउंट में एंट्री तो दो दिन, ये एक्सचेंज को समय दिया जाता है. ये दो दिन क्यों होता है, इसके पीछे कारण है. दो दिन एक्सचेंज को समय दिया जाता है कि इसके खाते से निकालो शेयर, इसके खाते में डालो. ये निकालने और डालने की प्रतिक्रिया के लिए स्टॉक एक्सचेंज को दो दिन का वक्त दिया जाता है. ठीक है. नाउ कमिंग टू सेम थिंग, टी प्लस टू का एक दूसरा मतलब भी अब सिमिलरली हो गया कि मंडे को अगर आपने शेयर सेल किया है तो ये हो गया ट्रेड डेट. अगर आप मंडे को शेयर सेल करते हैं तो क्या आपके डीमेट अकाउंट से वो तुरंत निकल जाता है? नहीं निकलता. मैं आपको बता दूं वो आपके डीमेट अकाउंट से तुरंत नहीं निकलता. हालांकि मैं जो आपको पैनल दिखाता हूं ना जहां मैं ट्रेड करता हूं, क्या वो डीमेट अकाउंट है? ऑब्वियसली नॉट. वो डीमेट अकाउंट नहीं है बच्चों, वो ब्रोकर का पैनल होता है. वो ब्रोकर का पैनल होता है और ब्रोकर आपको रियल पिक्चर दिखाता रहता है. वो ब्रोकर क्या करता है, वो आपके पैनल से हटा देता है. जैसे अगर आज मैं शेयर कोई भी 100 क्वांटिटी बेच दिया हूं तो वो मेरा ब्रोकर इमीडिएट हटा देगा उसको, ताकि गलती से वो दिखता रहा और आप कहीं दोबारा ना बेच दो. तो पैनल वो जो ब्रोकर देता है वो तो इजीनेस के लिए देता है. वो फैसिलिटेट करता है, हमारे ट्रांजेक्शन को ईजी बनाता है. ठीक है. तो वो सारा काम ब्रोकर कर रहा है. ध्यान दीजिएगा, आज अगर मैंने शेयर बेचा है तो मैं जिस पैनल पे ट्रांजैक्शन कर रहा था उस पैनल पे तो अभी तुरंत से गायब हो जाएगा, दिखना बंद हो जाएगा. इमीडिएट जैसे ही बेचा वैसे ही गायब हो जाएगा, दिखना बंद हो जाएगा. ठीक है. लेकिन क्या सचमुच वो आपके डीमेट अकाउंट से निकल गया है? डीमेट अकाउंट मेंटेन कहां होता है? एनएसडीएल और सीडीएसएल में. और जितने भी मार्केट में लोग हैं, जितने भी मार्केट में लोग हैं, पांचपैसा.com, तो रैली गियर सिक्योरिटीज, मोतीलाल ओसवाल, तो शेयर खान, देन ज़ेरोधा व्हिच आई हैड बीन डिस्कसिंग, ये सब ब्रोकर है. ठीक है. डीमेट अकाउंट इनके पास नहीं खुलते. डीमेट अकाउंट खुलते हैं कहां पे? एनएसडीएल और सीडीएसएल में. ये उनके ब्रोकर्स है. ठीक है. इनके पास पैनल होता है जिसपे आप ट्रांजेक्शन करते हो. ठीक है. तो रियल में अगर हम बात करें मेरे डीमेट अकाउंट से शेयर कब निकलेंगे, तो पता है कि मंडे के ट्रांजेक्शन का डीमेट अकाउंट से एग्जिट होगा वेडनेसडे को. ठीक है. तो मंडे को आप शेयर सेल करते हैं, ये ट्रेड डेट हो गया. ट्यूजडे कहलाएगा टी प्लस वन और वेडनेसडे कहलाएगा टी प्लस टू और एग्जिट इस दिन होगा डीमेट अकाउंट से. एग्जिट फ्रॉम डीमेट अकाउंट ये इस दिन होगा. कोई दिक्कत किसी को यहां तक? नहीं. अब जब हम इतनी बात समझ गए हैं तो हम एक तीसरा वर्ड समझ पाएंगे, शॉर्ट डिलीवरी. अब थोड़ा सा आपको स्मार्ट भी हम बनाते जा रहे हैं, बात समझिएगा. वैसे तो सच पूछिए तो अगर मैं आपको अभी तक यही सिखा रहा था ना कि शेयर खरीदे बेच दिए हो तो 3:15 तक, इंट्राडे अगर ट्रांजेक्शन कर रहे हो और अगर शेयर बेच दिए हो तो 3:15 तक क्या कर लेना, बाई कर लेना वापस से. नहीं तो ब्रोकर क्या करेगा, खुद ही ट्रांजेक्शन तुम्हारा काट देगा, वो खुद ही बाई कर लेगा जो भी प्राइस चल रही होगी. ये ब्रोकर क्यों करता है? ये ब्रोकर अपनी मर्जी से करता है. ऐसा कोई मैंडेट सेबी की तरफ से नहीं है कि ऐसा कर देना चाहिए. ये ब्रोकर अपनी तरफ से कर देता है ऐसा, ताकि आप इन्वेस्टर परेशान ना हो जाए. ठीक है. अदरवाइज सिस्टम की बात करते हैं. ध्यान दीजिए, अगर मैं कोई भी शेयर मंडे को बेचता हूं तो मेरे डीमेट अकाउंट को खंगाला जाएगा उसमें से शेयर निकालने के लिए. और वो कब खंगाला जाएगा? वेडनेसडे को. यानी अगर मैं मंडे को शेयर बेच देता हूं, मैंने इंट्राडे स्क्वायर ऑफ नहीं किया, मेरे पास शेयर नहीं है, मैंने बेच दिया मंडे को, तो भी कोई मेरा कुछ कर नहीं सकता है अभी एज ऑन डेट, क्योंकि मेरे डीमेट अकाउंट को खंगाला जाएगा वेडनेसडे को. मैं आपको बताऊंगा ये सब ब्रोकर कर देते हैं क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे हैं. आप वेडनेसडे को जब खंगाला जाएगा तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे होंगे. ठीक है.
तो ये मत सोचिए कि मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ मंडे को, अरे कुछ नहीं हुआ तो वेडनेसडे को बहुत बुरा होने वाला है, इसलिए मंडे को आपका ब्रोकर आपके साथ थोड़ा बुरा कर देता है कि ज्यादा बुरा ना हो जाए वेडनेसडे को, बात समझ में आ रही है, इसलिए वो सौदा काट देता है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि अगर मैंने मंडे को शेयर बेच दिए हैं जो मेरे पास नहीं है, मैंने बेच दिए शेयर, है ही नहीं मेरे पास, ठीक है, तो मंडे को कोई कुछ कर नहीं सकता क्योंकि मेरे डीमेट अकाउंट को खंगाला जाएगा वेडनेसडे को उसमें से शेयर निकालने के लिए, और वेडनेसडे को देखा जाएगा कि मेरे पास तो शेयर है ही नहीं, और जब मेरे पास वेडनेसडे को शेयर नहीं मिलेंगे तो इसे कहा जाता है शॉर्ट डिलीवरी। इसे क्या कहा जाता है? शॉर्ट डिलीवरी। शॉर्ट सेलिंग क्या था? शॉर्ट सेलिंग अलग बात थी। शॉर्ट सेलिंग का मतलब यह है कि आपके पास शेयर है नहीं फिर भी आपने बेच दिए, और शॉर्ट डिलीवरी का मतलब यह है कि आपके डीमेट अकाउंट को जब खंगाला गया तो पता चला है ही नहीं शेयर। लेकिन प्रैक्टिकल बात हम आपको जेरोधा के पैनल पे सेलिंग करा रहे हैं, उस वहां से रिलेटेड प्रैक्टिकल बात कीजिए, क्या शॉर्ट डिलीवरी की पोजीशन आएगी भी? नहीं, वो ब्रोकर ही नहीं आने देता, वो शॉर्ट डिलीवरी की पोजीशन आने ही नहीं देता है। वो तो क्या करता है, इंट्राडे में ट्रांजेक्शन को स्क्वायर ऑफ करके खत्म कर देता है। समझ में आई बात? वो तो सिंपल सा फंडा है उसका कि भैया 3:20 तक सौदा काटो नहीं तो हम खुद ही काट देंगे, वो करने नहीं देता, इसलिए शॉर्ट डिलीवरी हो नहीं पाएगी, प्रैक्टिकली नहीं हो पाएगी, ठीक है। और वो बुरा नहीं कर रहा, अभी थोड़ी देर रुकिए, बस इसके बाद जो हम अगली बात करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि कयामत की रात आने वाली थी वेडनेसडे को, जिससे उस ब्रोकर ने बचा लिया सौदा काट के, थोड़े घाटे ही तो हुए लेकिन आप बच गए, ठीक है। तो शॉर्ट डिलीवरी क्या है कि डीमेट अकाउंट को जब खंगाला गया तो आपके पास शेयर नहीं थे, लिख लीजिए, नॉट एबल टू डिलीवर शेयर्स ऑन T+2 पे शेयर नहीं है आपके पास देने के लिए। और अब सुनिए वो बात कि ऐसी कौन सी सामत आने वाली थी वेडनेसडे को, सुनिए, ये है ऑक्शन मार्केट। बहुत खतरनाक चीज है बच्चों, बहुत खतरनाक चीज है, भगवान बचाए इस मार्केट से, भगवान बचाए इस मार्केट से। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, आज से 10 से 15 साल पुरानी बात पहले, क्योंकि आजकल तो इतना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इतना स्ट्रांग हो गया, सौदा ऑटो कट जाएगा 3:20 तक, ब्रोकर सब ये सब कर देते हैं, पहले ये सब नहीं था। पहले जैसे आज हम बैठ के ट्रांजैक्शन कर पा रहे हैं, बहुत सारे पैनल्स ही नहीं थे, 15 साल पहले की बात की जाए तो स्टॉक ब्रोकिंग की दुकानें होती थी, ठीक है, एक ब्रोकर होता था, कंप्यूटर लैपटॉप पे किसी को बैठा देता था, ऑपरेटर होता था वो, और कुछ लोग वहीं पे बैठ के ऑर्डर देते थे तो कोई एग्जीक्यूट करता रहता था, ठीक है, वो ऑर्डर डालता था। आज तो हम अपने लैपटॉप पे कंप्यूटर पे बैठ के खुद से कर रहे हैं ना, क्योंकि इजिली अवेलेबल है ये सब सॉफ्टवेयर, ठीक है, पहले ये सब इजिली अवेलेबल नहीं था। ये ब्रोकर दुकान खोल के बैठते थे, हम वहां जाके बैठते थे और ऑर्डर बोलते थे अपना, तो सामने कोई ऑपरेटर बैठ के उसको लगाता होता था, ठीक है, और वो सॉफ्टवेयर बहुत कॉस्टली होता था। आज की तारीख में तो 500,000 रुपए में डीमेट अकाउंट खोलो, सॉफ्टवेयर अपने आप मिल जाता है, ठीक है, और पहले के जमाने में वो सॉफ्टवेयर कई कई हजार रुपए के होते थे, तो भैया हम अपने लिए सिर्फ कैसे खरीद ले, दुकान खोलनी हो, कईयों को ट्रेड कराना हो तो भले खोल ले लें, तो ये वजह थी। उस समय ऑटो कोई चीज नहीं कटती थी, कोई भी चीज ऑटो नहीं कटती थी, 3:20 पे सौदा कट जाएगा ऐसा नहीं है, क्लियर है बात, आपने काटा तो कटा, नहीं काटा तो गया काम से, आई बात समझ में। अभी भी बहुत सारे ब्रोकर ऐसे हैं, ऑटो थोड़ी ना काटते हैं, अरे कुछ पैनल हैं जो कहते हैं नहीं भैया हम तो ऑटो काटते हैं, ये मेरा नियम है, खोलना है तो खोलो डीमैट अकाउंट, नहीं खोलना है तो मत खोलो, मेरे यहां तुमको काम करना है तो करो, नहीं करना है तो नहीं करो, मेरा ये नियम है, हम तो ऑटो काट देंगे, हम तो अपने से सौदा काट देंगे। लेकिन आज भी बहुत सारे ब्रोकर नहीं करते, कहते हैं भैया तुम्हारी मर्जी भाई, पैसे मेरे हैं मेरी मर्जी, तो अगर हम ये बात कहते हैं मेरे पैसे हैं मेरी मर्जी, हम जो चाहे जो करें, तो भैया हम यहां पे ऑपरेट ना करके किसी दूसरे के यहां ऑपरेट करेंगे जो मेरी मर्जी को चलने देता है, ठीक है। तो कुछ ब्रोकर ऐसा नहीं करते, वो सौदा नहीं काट रहे हैं, ऐसा भी है। अब क्या होता है, अगर आपने सौदा नहीं काटा, मतलब आपने इंट्राडे सेल कर दिया था, शॉर्ट सेलिंग की थी, शॉर्ट सेलिंग की थी, ऑक्शन मार्केट वहीं पे आता है, ऑक्शन मार्केट आता है शॉर्ट सेलिंग वाले ही केस में, ठीक है, शॉर्ट सेलिंग होती है, राइट। अब शॉर्ट सेलिंग अगर हो गई तो, और शॉर्ट सेलिंग भी हो गई और सौदा स्क्वायर ऑफ नहीं हुआ इंट्राडे,
और जब डिलीवरी का समय आया टी प्लस टू पे, तो आपने डिलीवरी भी नहीं दी, शॉर्ट डिलीवरी हो गई, ठीक है, तो क्या होगा? अब आता है रोल ऑक्शन मार्केट का। ये ऑक्शन मार्केट प्रतिदिन 2 बजे से लेके 2:45 पे खुलता है, बस 45 मिनट के लिए मार्केट खुलता है, ठीक है। और इस मार्केट में इन्वेस्टर नहीं आ सकता, इस मार्केट में सिर्फ ब्रोकर अलाउड है, ओनली ब्रोकर कैन पार्टिसिपेट। ठीक है, इस मार्केट में जितनी शॉर्ट सेलिंग होती है वो ब्रोकर क्या करता है, परचेस करके ट्रांजैक्शन को स्क्वायर ऑफ करता है। जैसे मैंने मंडे को कोई शॉर्ट सेलिंग कर दी, ठीक है, तो वेडनेसडे 2+2 T+2 हुआ, तो वेडनेसडे की सुबह सुबह तक सेटलमेंट हो जाना चाहिए, नहीं हुआ तो दोपहर में ऑक्शन मार्केट है 2 बजे से लेकर 2:45 पे, ठीक है। इसमें ब्रोकर क्या करेगा, मेरे बिहाफ पे परचेस करके मेरे ट्रांजेक्शन को स्क्वायर ऑफ करेगा, क्योंकि मैंने बेच दिया शेयर तो है नहीं, तो अब वो खरीदेगा ऑक्शन मार्केट। अब ऑक्शन मार्केट में भाव क्या होता है, भाव का रेंज बताते हैं आपको। जो T+1 का रेट था, T+1 का क्लोजिंग रेट जो था, बड़ी खतरनाक चीज है भाई साहब, बहुत खतरनाक चीज है। T+1 का जो क्लोजिंग रेट था उसके 20% नीचे और 20% ऊपर तक के रेंज में ट्रांजेक्शन होता है। मतलब कि एग्जाम्पल समझाते हैं कि अगर T+1 पे क्लोजिंग रेट 100 रुपए का है, तो 80 रुपए से लेके 120 रुपए के रेंज में क्या होगा, ट्रांजेक्शन होगा। अब देखिए ऑक्शन मार्केट में कौन गया है, ब्रोकर गया है, किस लिए गया है, उसके क्लाइंट की शॉर्ट सेलिंग हुई थी। अब देखिए जिसकी शॉर्ट सेलिंग हुई है उसकी हालत तो गंभीर है ही है, हालत तो खराब है, क्यों, क्योंकि माल था नहीं, बेच दिया है, और ऑक्शन मार्केट में उसकी भरपाई होनी है। तो जो ऑक्शन मार्केट में बेचने आता है ना, वो सीना चौड़ा करके आता है एकदम, ठीक है। 100 रुपए पे T+1 की क्लोजिंग हुई है तो वो पक्का 120 रुपए कोट करता है, और 120 रुपए पे 80 से 120 के रेंज में कोट करना है, वो 120 रुपए कोट करता है, और 120 रुपए के रेट पे ब्रोकर बाई करके ट्रांजेक्शन स्क्वायर ऑफ कर देता है। अब आपको हम समझाते हैं एक छोटे सा एग्जाम्पल लेके। मान लीजिए मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ, मैंने मंडे को 10,000 शेयर माइनस कर दिए एट द रेट ऑफ 80 रुपीज। मंडे को मार्केट खुला, 80 रुपए के भाव में मैंने 10,000 शेयर माइनस कर दिए, मुझे लगा भाव गिरेगा, जैसे ही गिरेगा मैं परचेस कर लूंगा, 1 रुपए भी भाव गिरेगा तो जा सोचिए मेरा फायदा कितना है, 10,000 शेयर मैंने बेचा है, 10,000 × 1 10,000 रुपए कमा लूंगा, ठीक है। होता क्या है, ये 9:15 बजे मैंने 80 रुपए के भाव पे बेचा, और 9:30 बजे इसका रेट हो गया, मेरी क्या एक्सपेक्टेशन, मैं क्या चाहता हूं भाव गिरे क्योंकि मैंने बेचा है, 15 मिनट बाद 9:30 बजे इसका भाव हो जाता है 82 रुपीज। हालत तो मेरी खराब हो गई है, मेरा घाटा कितना है, रियलाइज्ड गेन नहीं है, अनरियलाइज्ड है अभी, लेकिन घाटा कितना है, 2 रुपया × 10,000 शेयर 20,000 रुपया। 10 बजे इसका रेट हो जाता है 85 रुपीज। हालत क्या है मेरी, गंभीर, 5 रुपया × 10,000 शेयर 50,000 रुपया का घाटा है, जितना बढ़ेगा उतना मेरा नुकसान, ठीक है। दोपहर के 1:30 बजे के आसपास इसकी प्राइस हो जाती है 95 रुपीज, राइट। ध्यान दीजिएगा, सौदा ऑटो नहीं करता है, मैं वहां पे ट्रेड कर रहा हूं जहां पे सौदा ऑटो नहीं करता है, तभी तो शॉर्ट डिलीवरी वगैरह की बात आएगी, ठीक है। 3:30 मैंने अपने ब्रोकर से बोला, ध्यान से सुनिएगा, मैंने अपने ब्रोकर से बोला, सुना क्या आपको, मेरी आवाज नहीं निकल रही है इसलिए आपको नहीं सुना, और ब्रोकर को भी नहीं सुना, मैंने ब्रोकर को क्या बोला, ऐसा मत सोचिएगा कि वॉल्यूम कट हो गया था बीच में, मेरी आवाज ही नहीं निकल रही थी, मैं ऐसे बोल रहा था, बेच दो, आवाज नहीं आ रही है, बेच दो बोल रहा हूं मैं, ठीक है, सॉरी बेच दो नहीं, खरीद लो ये बोलना था, आवाज आई नहीं बाहर, और आवाज ना आने के कारण हुआ क्या, शॉर्ट सेलिंग हो गई T+2 पे, शॉर्ट डिलीवरी हो गई, शेयर खरीदाए नहीं है, कोई बात नहीं। अब होगा क्या, आप सुनिए, मंडे का रेट क्लोजिंग था 100 रुपए, ट्यूजडे को ये रेट हो चुका है 120 रुपए,
वेडनेसडे को ऑक्शन मार्केट खुलेगा, 120 रुपए में भी 20% ऊपर खुल सकता है, तो 144 रुपया ऑक्शन मार्केट 144 रुपया पे खुला, मेरे शेयर बाय हुए 144 रुपए के रेट से 10,000 शेयर, यानी मेरा घाटा कितना, मैंने 80 के भाव पे बेचा और 144 के भाव पे खरीदा, यानी 64 रुपया पर शेयर इंटू 10,000 शेयर, मेरा एक दिन का घाटा 6,40,000 रुपया। बस उस दिन के बाद अब शेयर मार्केट भूल गए परमानेंट, होगा कि नहीं ऐसा? ठीक है, तो देखिए शायद ऐसा ना हो जाए, इसीलिए कुछ ब्रोकर क्या कर रहे हैं आपकी, कहते हैं 3:20 पे हम सौदा काट देंगे, नहीं तो भाई थोड़ा बुरा हो जाए ना, कयामत तो ना आए आपके ऊपर, ये कयामत है। तो ये होता है ऑप्शन मार्केट, मैंने आपको बताया कि अगर शॉर्ट डिलीवरी हो जाती है आपकी तो T+2 पे ब्रोकर मार्केट में इंटर करता है, ये 45 मिनट के लिए मार्केट खुलता है 2 बजे से लेकर 2:45 तक, इसमें इंडिविजुअल पार्टिसिपेट नहीं करता है, सिर्फ ब्रोकर पार्टिसिपेट करते हैं। इनफैक्ट सेबी ने एक नया रूल भी लाया है, मैं चलिए वो भी बता देता हूं आपको। इनफैक्ट ये कहता है सेबी कि जिस ब्रोकर के क्लाइंट की शॉर्ट सेलिंग हुई है ना, उस ब्रोकर को भी नहीं आने देंगे, यानी कोई दूसरा ब्रोकर खरीदेगा आपके बिहाफ पे। ओह माय गॉड, मतलब मैं खुद नहीं जाऊंगा उस मार्केट में, मेरा ब्रोकर नहीं जाएगा, कोई दूसरा ब्रोकर खरीदेगा मेरे बिहाफ पे। तो जरा सोचिए क्या हमदर्दी होगी वहां परचेज में, नहीं, जिस भाव में मिल रहा है लो और खरीदो, ये होता है। ठीक है, और आपने देखा कि वो कितने पे खरीदाया, 144 रुपए पे।